खेरासा लेजेंड्स लीग क्रिकेट सीजन 3 का मैच नंबर 18 आपकी ओर आ रहा है मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू से इंडिया कैपिटल्स का सामना गुजरात ग्रेट से आज होता हुआ जम्मू के अंदर। काफी ड्राई विकेट है और बिल्कुल घास नहीं है, हार्ड नहीं है विकेट और ऊपर का जो लेयर है वो हिल जाता है, इसी वजह से बॉल घूमता बहुत ज्यादा है। कुछ देर पहले दोनों कप्तान मैदान पे थे और शिखर धवन गुजरात ग्रेट्स के जो कप्तान हैं उनके लिए ये सिक्का सही गिरा और इसीलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये कहा कि यहाँ पर ज़्यादातर लो स्कोरिंग गेंद होती है तो पहले बैटिंग करके रन स्कोरबोर्ड पे डाल लेते हैं और यहाँ पे देखिए लाइनअप में न सिर्फ धवन, क्रिस गेल, मॉनी वैन वेक, मोहम्मद कैफ उस लाइनअप के अंदर आपको दिख रहे हैं। असगर अफगान का बल्ला ज़्यादा बोला नहीं है और उम्मीद करेंगे थोड़े से रन कंट्रीब्यूट कर पाए। वो सिकुगे प्रसन्ना ने पिछले मैच में कुछ करारे शॉट खेले थे, वो शायद एक अर्जी पेश कर रहे होंगे कप्तान को कि भाई मुझे थोड़ा सा जल्दी भेजिए बल्लेबाजी के क्रम में। पर वहीं ईएन बेल और इंडिया कैपिटल्स के लाइनअप पर भी नज़र डाल लेते हैं नयन। यहाँ पर एशली नर्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पिछले मैच में भरत छिपरी ने एक अच्छी अर्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन उसके बावजूद टीम को हार मिली थी उस मुकाबले के अंदर, तो चाहेंगे कि इस बार जीत का स्वाद चख लिया जाए। इनके आंकड़ों में नज़र डालिए, T20 करियर में 334 मैच, 9,797 रन, स्ट्राइक रेट 125 के ऊपर का, वो आंकड़े बहुत ज़बरदस्त कहानी बयां करते हैं गब्बर की बल्लेबाजी के स्टाइल के बारे में। और दूसरे छोर पे कौन है, मॉनी वैन वेक। इस सीज़न ये एक शतक लगा चुके हैं लेकिन उसके बाद इनका बल्ला थोड़ा सा शांत रहा है। भाई जिस तरह शतक लगाया था रामन, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लगाया था, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। ये धवल कुलकर्णी, इनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, अभी अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के रिटायर्ड हुए। चलिए पहली बॉल इस मुकाबले की, पूरी तरह से लाइन मिस कर गए यहाँ पे मॉनी वैन वेक। ओ, पर फिलहाल आपको विकेट मिल जाएगी शिखर धवन की। आपने लगाया लेफ्ट आर्म स्पिनर को इस उम्मीद में कि वो राइट हैंडर को आउट करेंगे लेकिन यहाँ पे शिखर धवन आउट हो गए हैं और ये बड़ी सफलता है इकबाल अब्दुल्ला के लिए। वहां पर नर्स खड़े थे स्क्वेयर लेग की दिशा में और सही पोजीशन पे और पहली ओवर में पहली विकेट, क्योंकि जनरली लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को मजा आता है लेफ्ट हैंडेड बॉलिंग के सामने बल्लेबाजी करने के लिए। 4-1 शिखर धवन, 1 बनाकर वापस पेविलियन। ये ज्यादातर फील्डर्स को भगाते हैं। ये लीजिए, आते ही बल्ला चलाएंगे, 4 रन पाएंगे, खाता खोल लिया क्रिस गेल ने पहली बॉल पे। कह रहे इस पिच में क्या मुश्किल है। इस बार पुल किया है और शानदार ढंग से खेला है, 4 रन और मिलेंगे क्रिस गेल के नाम, 1 और चौका, 2 ओवर समाप्त, 12-1 गुजरात ग्रेट्स। गेल पहली बार इनका सामना कर रहे हैं आज। आते ही स्वागत किया धवल कुलकर्णी का, खराब गेंद, चौका फाइनल की दिशा में, 3रा ओवर खत्म हुआ, 19-1 गुजरात ग्रेट्स। हाई फुल टॉस, रन मिलेंगे 4, उस दिशा में नहीं जहां वैन विक खेलना चाहते थे पर फिर भी 4 रन तो मिलेंगे। ये देखिए, अगर सीधे बल्ले से खेलोगे रामन और कोई भी विकेट हो चौका तो जरूर मिलेगा आपको। ये देखिए किस तरह पैर आगे निकाला, कवर पे दिशा में खेल दिया था, हाथ खोलने का मौका नहीं मिलता शायद, ये ज्यादा तंग करने वाली बात है उनके लिए। इस बार हाथ खोलने का मौका है और हाथ खोले क्रिस गेल ने, चौका डाउन द ग्राउंड, करारा प्रहार, 34-1 ओवर की समाप्ति। वॉच मी मान पर यहां पे तो विकेट आएगी, बॉल को वॉच किया फील्डर ने और धवल कुलकर्णी के नाम आई है बड़ी विकेट, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल आउट। रुक कर आया ये गेंद, गति का परिवर्तन किया, उंगली मारी धवल कुलकर्णी ने, 35-2 क्रिस गेल, 21 बनाकर वापस पेविलियन। ये लेग बिफोर की अपील है, करीबी मामला है, विकेट आएगी, इकबाल अब्दुल्ला के नाम ये दूसरी सफलता इस मैच में और मॉनी वैन विक को जाना होगा वापस।
ये ब्रेक का फायदा मिलता हुआ गेंदबाजों को, बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह की ब्रेक लगती है। पर ये खराब शॉट था, तेज गति से गेंद फेंकी हुई थी अब्दुल्ला की, राउंड आर्म सीधी रह गई, नीची रह गई। फिर से स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, मिडिल स्टंप का बॉल था, मिस करे, पैड को लगी। बॉनी वैनविक का 37 पे 3, बॉनी वैनविक 10 बनाकर वापस पेविलियन। ओ, लेकिन यहां पे आई है विकेट थ्रू द गेट, एक क्लासिक डिसमिसल है ये स्पिनर के लिए, बॉल बैट और पैड के बीच में से निकाल के बोल्ड आउट करना बल्लेबाज को। उनको भेजा था मनन शर्मा को रन बढ़ाने के लिए, रन रेट बढ़ाने के लिए। देखिए किस तरह फ्लाइट में बीट किया, बॉल के पिच पे नहीं गए, बॉल को घूमने दिया, बैट बंद हो गया, फेस जो है वो बंद हो गया, गैप रह गया और बोल्ड हो गए। 38 पर 4, मनन शर्मा ने कोई खाता नहीं खोला। ओ लाउड अपील डाउन द लेग, और एकदम से नैन भाई ने इशारा किया, बल्ला भी लगा है, बल्ला लगा है, नैन भाई ने बोल दिया बल्ला लगा है। तो समंदर, देखिए नैन भाई आपने कहा समंदर में धूल उठी तो वो भी मंजूर है, धूल उठी क्योंकि नैन भाई ने कहा है, खत्म होगी बात, उसमें कोई जद्दोजहद नहीं। स्वीप करने की कोशिश, स्वीप किया, 4 रन मिल गए। टाइमिंग उम्दा, बहुत बढ़िया टाइमिंग। शुरू में विकेट जल्दी गिर गए, उसके बाद उनको लगा कि अब नहीं खत्म होगा, तो फिर अब चलो अपना टाइम लेके मैच को जिता दिया, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और 4 रन फिलहाल देखे यहाँ पर, कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर के सर के ऊपर से सीधा सटीक संपूर्ण, दर्शक खुश। कट किया, शानदार बाइसेक किया, व्हाट अ शॉट, ये कलात्मकता, आत्मीयता से खेला गया शॉट। 11 ओवर के बाद 61 पे 4। ये देखिए शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया है मिड विकेट की दिशा में मोहम्मद कैफ ने 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत, पहली गेंद राहुल की, शॉर्ट गेंद थी, उस गेंद के नीचे गए और ऊपर से उठा दिया मिड विकेट की दिशा में। ये देखिए किस तरह पैड़ी ये शॉट लगाया था। जी नैन भाई, जैसा आपने कहा कि बैकफुट पर गए, क्रीज की डेप्थ का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये पुल शॉट नहीं है, ये सीधे बल्ले से मार दिया उन्होंने। डाउन द लेग साइड, विकेट कीपिंग की हम तारीफ कर रहे थे, इस दफे क्या मुफ्त का पंजा आएगा? जी आएगा, मुफ्त का पंजा, खुला शिकंजा। और रेडर को एडजस्ट करने की बात हो रही थी, इनका रेडर जो है ना वो फॉल्टी है अभी भी, वो क्रैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्क्रैम्बल सीम से बॉल डाल रहे हैं, टांगों पे गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूम ना मिले इन्हें हाथ खोलने का, उसी में इस गेंद को डाउन लेग डाल बैठे एक बार फिर इस ओवर में। मुश्किल है बल्लेबाज के लिए नहीं, विकेट कीपर के लिए भी है। जी तगड़ा शॉट मारा है एक्स्ट्रा के ऊपर से, मोहम्मद कैफ स्पेशल, आप इन्हें रूम देंगे, ये धूम मचाएंगे, धूम मिला, धूम मचाई, बनती है हौसला अफजाई, क्यों रमन? बिल्कुल जी, हौसला अफजाई बनती है क्योंकि उन्होंने सही गेंद का इंतजार किया है वो शॉट खेलने के लिए, और गेंदबाज ओवर कॉम्पनसेट कर बैठे, पिछली गेंद वाइड थी ना इसलिए ये गेंद जब डाली तो थोड़ी ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर डाल बैठे, और मोहम्मद कैफ ने वो लंबी स्ट्राइड निकाली है गेंद की पिच तक पहुंचने के लिए, शानदार शॉट है जी। बिल्कुल, और कहते हैं डोंट फीड योर ओपोनेंट्स व्हाट दे लाइक एंड वेयर दे लव, 15 ओवर समाप्त हो गए, 92 पे आ गए 4। पर यहाँ पे देखिए करारा शॉट है जी, करारा शॉट है, स्लॉट का गेंद था, उन्होंने कहा पाले में आएगी तो बाहर ही जाएगी, गब्बर खुश हुआ। जी हाँ, शिखर धवन खुश होंगे ये देखकर कि मोहम्मद कैफ ने वो एक्सेलरेटर पे पैर अब दबा दिया है। ओहो, आवाज अच्छी आई है कि नहीं? जी हाँ, बेटर एफर्ट की जरूरत थी यहाँ पे, मुझे मेरा मानना है 6 जरूर है मगर ज्यादा बड़ा 6 नहीं है, मुझे नेकेड आई से ऐसा लगा, रिप्ले में आएंगे तो देखेंगे। धवन टप्पा गेंद का पड़ गया बाउंड्री रोप के अंदर या नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं एमबी रिप्ले पे। जी हाँ, और अब देखेंगे तो मुझे एकदम से लगा था शायद ये नजदीकी मामला है। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली, और यहाँ पर 100 में 100 नंबर हमारे प्रोड्यूसर को और मुझे भी। बिल्कुल जी, 4 है जी, ये अंपायर को बदलना पड़ेगा निर्णय। आपको अंटे की बॉल चुनी, वेल डन, ब्रिलियंट, डाउन द लेग स्टंप, गेंदबाजी सूझबूझ भरी और बड़ी चपल विकेट कीपिंग का नमूना, डाउन द लेग पेंडुलम की तरह गए, इन अ फ्लैश ऑफ गो द बेल्स।
यहाँ पे गुजरात ग्रेट्स की टीम को कड़वी दवाएं चाहिए, विकेट की दवा है जो आपने दिए एक क्षति पहुंचाई है। नमन ओझा ने कोई गलती नहीं करी, वो तो तैयार थे, अच्छी विकेट कीपिंग उनके द्वारा। 20 रन पे आउट हुए 130 पे 5। और देखिए बिल्कुल कहा जा रहा है जो आपने बात की कि आपको बड़े शॉट्स यहाँ लगाने पड़ेंगे, और बड़े शॉट्स यहाँ पे अब आपकी मंशा वही होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए हाई बैक लिप फुल फॉलो थ्रू बल्ला घूमे। ओ बोल्ड किया था और यहां भी बोल्ड कर दिया, क्या बात। और उससे बढ़िया सुकून फास्ट बॉलर के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए होता नहीं है कि आपने कहा चलिए फर्नीचर डिस्टर्ब बाहर चले। सेट बल्लेबाज को आउट किया, हल्की सी एक बार वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट देते हैं, थोड़ी सी उंगली चलाते हैं सीम के ऊपर, कई बार धवल कुट करनी और वो गेंद स्किड करके निकल जाती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है यहाँ पे, कैफ का बड़ा विकेट गिरा है, 40 रन बनाकर मोहम्मद कैफ आउट 117 पर 6। बड़ा हिट, बड़ा हिट, ग्रैंड हिट, मिड विकेट 6। देखिए आखिरी ओवर में आप तेज गेंदबाज को लेकर आए और आप इस सतह पे पेस देंगे ना तो बल्लेबाज को इससे बेहतर कोई और चीज नहीं है। 145वां सिक्स टूर्नामेंट का, पटकी हुई गेंद डालने की कोशिश की आपने, इंतजार कर रहे थे वहां पे दास, उन्होंने कहा आइए आने दीजिए इस पटकी हुई गेंद को, मैं वहीं भेजूंगा। आखिरी गेंद आएगी इस गेंद के बाद, दो गेंदें बची हैं, वेल बोल्ड एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन और सडनली ओवर बहुत बड़ा हो गया। आखिरी गेंद 13 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में, फुल टॉस, थर्ड मैन हाथों में, फंबल, 1 रन, 134 पर पारी रुकेगी। रमन बरोड़ मुबारक हो, आपने कहा 135 टारगेट तो है ही। देखिए अब ये बड़ा ट्रिकी स्कोर है और बड़ा दिलचस्प स्कोर है, मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर ये 19वें ओवर तक गेम कम से कम जाएगा। बहुत आसान नहीं होगा चेस करना। बैटिंग कार्ड पे भी नजर डाल लेते हैं, देखिए मोहम्मद कैफ की वो पारी, जैसे पदम आप पहले कह रहे थे ना, बहुत अहम पारी थी क्योंकि जिस परिस्थिति में ये पारी आई है बहुत अहम गुजरात ग्रेट्स के लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर दास ने जो 20 बनाए केवल 13 गेंदों में, वो भी बहुत अहम रहे कि आप 120 नहीं आप 134 तक पहुँचे, थोड़ा सा मामला मुश्किल रहा। पर अब 135 का लक्ष्य रखा गया है इंडिया कैपिटल्स के सामने इस मैच को जीतने के लिए 20 ओवर से। क्या यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल हो रहा है, शायद ऑन फील्ड अंपायर इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, पता चल जाएगा जल्दी। शायद वो टीवी अंपायर के साथ थर्ड अंपायर, ये लीजिए वो कैची बना दी है उन्होंने, यानी संकेत कर दिया है, क्रिस गेल को सब आउट किया है और उनकी जगह समर कादरी जो कि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन बन जाते हैं टीम के लिए, उनको शामिल कर लिया गया है अब टीम में। तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में समर कादरी अब मैदान पे। पर बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए नमन ओझा, 182 मैचेस T20 करियर में, बहुत अनुभव बतौर विकेट कीपर बैट्समैन, लगभग 3000 रन इनके बल्ले से निकले हैं। और दूसरे छोर पे कौन है, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे आपको कौन दिखेंगे, आपको दिखेंगे ये ऐसे बल्लेबाज, पवन सुयाल को तो सब आउट कर दिया गया है, उनकी जगह आ गए ड्वेन स्मिथ, बहुत अनुभव वेस्टइंडीज़ के लिए खेलने का, फिर IPL में खेलने का बहुत अनुभव। नई गेंद किसके हाथ में जा रही है, इनके हाथ में जा रही है श्रीसंत के, इसीलिए वार्म अप कर रहे थे ये मैच की शुरुआत से पहले, कुछ पुशअप भी मारे, कुछ स्ट्रेचिंग भी करी, लूजन अप भी किया। अब सवाल ये कि नई गेंद से विकेट निकाल के दे सकते हैं अपनी टीम को। पर नयन जो आप बात कर रहे थे ना कि स्पेशलिस्ट बैटर बनाम स्पेशलिस्ट बॉलर, आपने वो इम्पैक्ट सब ने एक ऑप्शन दे दिया आपको ये काम करने का, ऑलराउंडर्स की शायद फिर इतनी मान्यता नहीं। पर चलिए पहली गेंद, मुश्किल टेक विकेट कीपर के लिए, आखिरी गेंद है ओवर की, मेडन ओवर यहाँ पे श्रीसंत के द्वारा, शानदार शुरुआत। ये हवाई कार्रवाई, इनके पाले में गेंद डालेंगे तो ड्वेन स्मिथ फिर छोड़ेंगे नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए, और वहाँ पे हेमंत बदानी खुश हो रहे थे यही देखकर कोच इंडिया कैपिटल्स के। और ये अनोखा अंदाज अंपायर बिली बॉर्डन का छक्का देने का, विकेट मरण शर्मा के नाम, एक और सफलता। ये वो गेंदबाज है जिसके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं LLC इतिहास में, और यहाँ पे भी उन्होंने अपना विकेट्स का खाता खोल दिया है, पहली सफलता ओवर की आखिरी गेंद पे मिली है।
आठ पर एक द्वान स्मिथ आठ बनाकर वापस पवेलियन। इस बार हाथ खोलने का मौका था, हवा में शॉट था जरूर, पर चार मिलेंगे। कॉलिन डी ग्रैंडहोम अपना खाता खोलते हुए इस चौके के साथ। ये ओवर थोड़ा सा महंगा जा रहा है अभी श्रीशांत के द्वारा। कैच का मौका नहीं बनेगा, चार और टप्पा ऊपर रखने की कोशिश थी ताकि गेंद स्विंग करे और शानदार प्रहार चार का वार। और विकेट, वो दबाव बन रहा था नमन ओझा पे, रन आ नहीं रहे थे, उसका फायदा उठाया यहां पे मनन शर्मा ने। आर्मा ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया गेंद ये, बढ़िया गेंद ये, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, गिरने के बाद कैसी अंदर आई विद द आर्म और अगेन द स्पिन खेलने की कोशिश की। वहां पर मनन शर्मा ने कहा कि भाई मैं ग्लासेस पहन रहा हूं कि गेंद कहां गई है देख रहा हूं, पर गेंद स्टंप पर लगी। ओजा दो रन बनाकर वापस पवेलियन, 21-2। हवाई कार्रवाई इकबाल अब्दुल्ला के द्वारा, फील्डर मौजूद, शानदार कैच, सिक्कू के प्रसन्न, क्या बात, और हिसाब बराबर कर लिया यहां पे मनन शर्मा ने। ये कैच ऑफ द मैच है, ये देखिए शैकल्स में से छूटना चाहते थे वहां पर इकबाल अब्दुल्ला ने विद स्पिन, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पर गेंद ऊपर ज्यादा गई, दूर नहीं गई, और प्रसन्ना की तारीफ करनी होगी भाई, वाह ये लेजेंड्स क्रिकेट है आपके लिए, कैचेस विन मैचेस, और सही मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण और टॉप क्लास कैच था। इकबाल अब्दुल्ला आए और गए, दो गेंदों का सामना किया, 21-3 इंडिया कैपिटल्स। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने कहा अग्रेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, चौका इनफील्ड के ऊपर से लगाया। यहां मुश्किल हो सकती है, क्या इतना बल्ला लगा है, जी नहीं, विकेट मिलेगी। शिखर धवन कप्तान साहब गब्बर ने पकड़ लिया एक अच्छा कैच, पीछे दौड़ के ये जो कैच पकड़ा है कॉलिन का, इनसाइड आउट था, ठीक से टाइम नहीं कर पाए। यहां पर शिखर धवन पहले से थोड़ा पीछे मौजूद थे, ये कैच को देख के कपिल देव की याद आती है वर्ल्ड कप की, ऐसे ही कुछ जब पीछे भाग कर विव रिचर्स का कैच पकड़ा था। ओह, और ये देखिए, ये देखिए, पहली गेंद पे चौका और फिर कुछ बातचीत करते हुए कॉलिन से, 14 बनाकर वापस 35-4। एंटिसिपेशन, स्पीड, जजमेंट, सब कुछ ठीक ठाक। यहां पे आएंगे चार, कैच इट की कॉल थी, पर वहां पे फील्डर भी तो होना चाहिए ना जनाब। हवा में, सॉरी, स्टैंड्स में, छे क्रीज पे पीछे गए और सीधे बल्ले से मिडविकेट के दिशा में ऊपर से खेल दिया, लाजवाब शॉट, बढ़िया शॉट, उन्होंने तालियों से तारीफ की उस शॉट की। साउंड अच्छा, आउट ऑफ द ग्राउंड भी, शॉट सच्चा, व्हाट अ हिट। और ये जो दर्शक वहां पर बैठे हुए उनके पास गेंद पहुंची, इंतजार कर रहे थे कि कभी हमारे पास गेंद आएगी और आ गई, और ये देखिए बाल बाल बच गए, नहीं तो शायद इंजरी हो सकती थी, किसी के सर में लग सकता था। विकेट का जो बहुत सही इस्तेमाल करते आ रहे अभी तक मनन शर्मा। हवा में खेला गया शॉर्ट, फील्डर नीचे, विकेट, मोहम्मद कैफ ने कहा ये गेंद गुल्लक में काबिज, पांचवें विकेट का पतन। पर वहां पर फील्डर मौजूद थे, कोई गलती नहीं की, ये यशपाल की पहली विकेट, अच्छा साथ निभाते हुए ब्रेक के बाद पहली ओवर पे वहां पर ब्रेक मिला, वहां पर मोहम्मद कैफ ने डीप कवर पे एक अच्छा कैच पकड़ा, अब वहां पर है तो सेफ कैच होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, गेंद निकलने वाली नहीं है। 67/5 बेन डंग 22 बनाकर पवेलियन। ओ बड़ा शॉट, उड़ी उड़ी जाए छे की खबरी लाए, गेंद आकाश में, गेंद पर्वत कैलाश में। ओ, 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 ओ। ये ललचाया था यशपाल ने, बहुत छोटी गेंद थी, ऑफ स्पिन डाली थी,
पर शायद ऐसा लग रहा था कि हाथ से छूट गई थी, पर उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर चिपली ने। देखा 36 चाहिए सीधा, कहीं लगी थी क्या, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज है रतंगेश। 4 आखिरी बॉल ओवर की। ओ तेज डाली थी गेंद, सबसे तेज गेंद इस ओवर की यही थी, और पहला रन तेजी से लिया कि दूसरे के लिए वापस आएंगे। विकेट मिल गया, विकेट मिल गया, वो विकेट जो आप तलाश रहे थे। श्री शांत को विकेट के बाद इतना शांत देखा आपने कभी? ये देखिएगा, आपने बिल्कुल सही कहा था, ये थोड़ी तेज गेंद डाली थी और दूसरे रन के लिए वापसी करना चाह रहे थे। भरत छिपरी थोड़ा सा बैलेंस को बैठे और इसी वजह से वो मुश्किल में आ गए। जी हाँ, वैसे वो जिम विम करते हैं, खूब भागते हैं, लेकिन गिर गए और गिर कर उठे ज़रूर, लेकिन तब तक वो जो वक्त अतिरिक्त चाहिए होता है टीम को आउट करने के लिए वो आपको मिल गया, वो विकेट जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। वेल डन, वेल प्लेड भरत छिपरी ने 21 गेंदों में 22 रन बनाए, अच्छा योगदान दिया, छठा विकेट गिरा 109 पर। ये लीजिए, ये लीजिए, पहली ही गेंद पे नर्स का इंजेक्शन। और जी हाँ, जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं और ग्लूकोज चढ़ना होता है, ग्लूकोज चढ़ाने का काम तो नर्स का ही होता है। स्कोर बराबर, एक रन जीत के लिए चाहिए, फुल टॉस, बल्ले से लगी जीत। बेल ने लिखी ये स्क्रिप्ट, उनकी एकाग्रता, उनका अनुशासन, उनके बल्ले से कलम, उनकी जीत, उनकी फलक, उनका और ये स्क्रिप्ट भी उनकी जीत। मुबारक इंडिया कैपिटल्स को। आखिरी गेंद तक गया जी मैच, तो बहुत ही करीबी मामला और किसी भी तरफ जा सकता था, ये ऊंट किसी भी तरफ करवट ले सकता था, पर अंत में इंडिया कैपिटल्स के नाम आई है जीत। और एक सेट बल्लेबाज का क्रीज पे होना अंत तक कितना महत्वपूर्ण होता है वो इयान बेल ने दिखा दिया। एक कप्तानी पारी खेली है, जिम्मेदारी भरी पारी खेली है, जिसकी बदौलत इंडिया कैपिटल्स के नाम आई है ये जीत। छोटे एनकाउंटर जो होते हैं, छोटे टोटल होते हैं 135-140, ये बड़े ट्रिकी होते हैं, टीम को समझ नहीं आता, स्पेशली जिस तरीके का सरफेस है। और जब आप बल्लेबाजी को देखेंगे, आप उतरे जब आप 135 चेज करने, तो आपने करने में ये नहीं था आपको अच्छा स्टार्ट मिला था, आपने इम्पैक्ट सबका इस्तेमाल शुरू में कर लिया था और उसमें शुरू में आउट हो गए थे रमन। बिल्कुल परम, और उसके बाद पारी को संभाला किसने, इयान बेल ने, और वो बेन डंक ने जो पारी खेली 22 रनों की केवल 14 गेंदों में, उसमें आपको इम्पेटस मिला, फिर भरत छिपरी की अच्छी साझेदारी इयान बेल के साथ, और फिर एशले नर्स बने रहे अंत तक। लेकिन कॉमन फैक्टर कौन था, इयान बेल कप्तान,